गाइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अंटालिया। अभी सुबह क्या हो रहा है, 7:40 इन अंटालिया का टाइम से। और फिलहाल अभी मैं आया हूँ ब्रेकफास्ट करने, और ऐसा कुछ हमारा ब्रेकफास्ट कॉफ़ी और कुछ सारे ब्रेड्स एंड ऑल। ऑप्शन तो काफ़ी है बट हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि हमें 8 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमारा कैब जो है वो 8 बजे पहुँच जाएगा, और जल्दी से जल्दी हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आज फ्लाइट है इस्तांबुल के लिए। सो जल्दी से जल्दी इस ब्रेकफास्ट को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। सुबह चेकआउट हो चुका है अपना, और लगेज सब यहाँ पे। और इस भाई साहब ने यहाँ पे फ़ोन करके, ये देखो यहाँ पे टैक्सी का कॉन्टैक्ट है, तो इन्होंने फ़ोन कर दिया है, बस 2 मिनट में टैक्सी आने वाला है। और सामने देखो भाई क्या करा है हमारे GT मस्टैंग। सो चेकआउट हो चुका है, जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पहुँचते हैं, देन आपसे बात करते हैं। परेशान हो गया यार पेगासस की एयरलाइन से, आज भी फ्लाइट ऑलमोस्ट 2 घंटे डिले हो गया है। एयरपोर्ट में बैठे हुए अभी 12:30 को बता रहे हैं कि फ़्लाइट का बोर्डिंग होने वाला है, बट पता नहीं क्या है नहीं है। अभी तो 12 ही बजे, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के ऊपर हो चुका है, और आधा घंटा वेट करना पड़ेगा भाई, बोर्डिंग हो जाए सही है। तो भाई फाइनली अभी 3 बज रहा है शाम के, और शायद बोर्डिंग अभी चालू होने वाला है, जबकि 10:45 का फ्लाइट था और अभी बज रहा है 3। तो पूरा दिन हमने एयरपोर्ट में बिता लिया, सो फाइनली शायद अभी आई थिंक फ्लाइट टेक ऑफ करेगा। तो पहुंच गए भाई सबिया गोमचे एयरपोर्ट इस्तांबुल से, करीब इस्तांबुल मेन सिटी सेंटर से अराउंड 1 घंटा 10-20 मिनट का दूर है ये एयरपोर्ट यार इस्तांबुल में। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा था उनको पता होगा कि 2 एयरपोर्ट है, एक है इस्तांबुल एयरपोर्ट, एक है सबिया गोमचे एयरपोर्ट। सो फिलहाल यहाँ पर अभी बैगेज का वेट कर रहे हैं, और बैगेज जैसे ही आएगा बस लेके बस या कार जो भी होगा लेके होटल पहुंचना है। तो पहले बैग कलेक्ट करते हैं, देन फिर आपसे बात करते हैं। लो जी और एक पंगा हो गया, पता नहीं क्या ही बोलूँ, लगेज फिर मिसिंग है। तो यहाँ पे अभी पेगासस के ऑफिस में वो बात कर रही है, ये एयरलाइंस पता नहीं क्या है यार, बैग मिल जाए नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सब जा चुके हैं, हमारा बैग पूरा एयरपोर्ट खाली हो चुका है, बट हमारा बैग अभी तक नहीं आया। एक बैग आ गया जो मेरा है, बाकी एक बैग अभी तक नहीं आया, देखते हैं क्या करते हैं। सो भाई बैग मिल गया, इनके पास ही रखा हुआ था, ये पहले की फ़्लाइट से आ गया है यहाँ पे, पता नहीं इनका क्या सिस्टम है। बट फाइनली इतना टाइम इनको फ़ोटो दिखाया, सब दिखाया, बट ये लोग समझ ही नहीं रहे थे, अचानक अभी बोल रहे हैं बैग तो अंदर है, बैग पहले से पड़ा हुआ है, पता नहीं यार। पेगासस इज ग्रेट, आई डोंट थिंक सो मैं फिर दोबारा इस फ्लाइट में कभी भी किसी को सजेस्ट करूँगा। सी दिस एयरलाइंस पेगासस, डोंट फ्लाई। भाई पहुंच गए टक्सिन स्क्वायर, और यहाँ पे अपना बस जो है यहाँ पे अपने को उतार दिया है, ये रहा अपना बस। और यहाँ से अभी देखते हैं कि पैदल जाए और गाड़ी कर ले, एक बार चेक करते हैं। दिस इज आवर रूम, ब्यूटीफुल रूम। सो ये जी अपना वॉशरूम, थोड़ा छोटा है बट रूम बहुत अच्छा है। सो ऐसा यहाँ पे लॉकर एंड ऑल, ये है अपना बेड अगले 3 दिनों के लिए। और भाई सबसे मेन जो है ये है, यहाँ से सिटी व्यू रूम है भाई, क्या नजारा है, जस्ट लुक एट द व्यू मैन। तो थोड़ी देर बाद आपसे फिर बात करते हैं, अभी फ्रेश होते हैं और कुछ खाते हैं पहले। हाँ सो फाइनली हाँ पहुंच गए भाई
इस्तांबुल। और ये मेरे पीछे जो देख रहे हो ये है अपना होटल, और इस होटल में सबसे टॉप रूम जो है वो हम लोगों का है। बहुत सुंदर व्यू है यार। और फिलहाल इस वीडियो में ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, आज पूरा दिन ट्रेवलिंग नहीं चला गया, सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले किसी बढ़िया से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।